शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाही ताला अलैह। आज हम 10 लाइनें लिखेंगे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाही ताला अलैह पर। तो फर्स्ट पॉइंट, शाह अब्दुल लतीफ वाज बॉर्न इन हाला इन 1689। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हाला में पैदा हुए इस तारीख को। हिज फादर्स नेम वाज हबीब शाह। इनके वालिद का नाम शाह हबीब या हबीब शाह था। नंबर थर्ड पॉइंट, ही वॉज अ ग्रेट पोइट। ये एक अजीम शायर थे। एंड हिज पोइट्री बुक्स इज कॉल्ड शाह जो रिसालो। और जो इन्होंने शायरी की किताब लिखी उसका नाम है शाह जो रिसालो। नंबर फोर पॉइंट, ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री व्हेन ही वाज अ बॉय। इन्होंने शायरी तब लिखना शुरू की जब वो एक छोटे बच्चे थे। नंबर फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही वेंट टू लिव ऑन अ माउंट व्हिच इज कॉल्ड भिट इन अ सिंधी। इनके वालिद साहब की वफात के बाद शाह भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक टेले पर, एक माउंट पर रहना शुरू हुए जिसे सिंधी में कहते हैं भिट। नंबर सिक्स पॉइंट, ही इन्वेंटेड तंबूरो। इन्होंने तंबूरो ईजाद किया विच इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या मौसीकी का इंस्ट्रूमेंट है। नंबर सेवन पॉइंट, ही लव्स अल्लाह। इनको अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी। एंड आल्सो कंपोजेस मैनी वर्सेस इन प्रेज ऑफ अल्लाह। और बहुत शेर व शायरी की अल्लाह की तारीफ में। नंबर एट पॉइंट, ही डाइड इन 1752। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल 1752 में हुआ। एंड हिज उर्स इज हेल्ड ऑन 14th सफर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर। और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इनका उर्स 14th सफर को होता है। 9th पॉइंट, हिज श्राइन वॉज बिल्ट बाय गुलाम शाह कलहोड़ो। इनकी मजार गुलाम शाह कलहोड़ो ने बनाई। नंबर लास्ट 10th पॉइंट, ही इज स्टिल इन द हर्ट्स ऑफ ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी शाह भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों में हैं।